हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलके 5। अगर मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरी देखनी हो, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर कहीं आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए। अब चलते हैं हम आज के प्रॉब्लम की ओर। आज का प्रॉब्लम है x²(-2b-1)(x+b²-b-20)=0। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? और ये 2015 के सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। आप देख रहे हैं 2015 में ये आया हुआ है और यही प्रश्न है। तो अगला एग्जाम आपका हो सकता है जिसमें ये प्रश्न आ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। x²(-2b-1)(x+b-20)=0। अब देखिए, ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक ट्रिक छिपा हुआ है। उस ट्रिक को जब आप जानेंगे तभी इस मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाएगा। और ये ट्रिक्स जान लीजिए, उससे पहले आप वीडियो को लाइक से शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक है। ये तो कंप्लीट एक आपका, मैं बता दूं कि ये आपका एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुपा हुआ है। तो पहले ये b²-b-20, और पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो अब ये है आपका b²-b-2। बराबर इसे हम 0 लिख। This tends to, ये आपका हो गया b²-5b+4b-20=0। This tends to बी कॉमन ले लिए, बिल्कुल वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, और वो भी फैक्टर प्रोसेस है, तो वैसे ही ये भी सॉल्व कर रहे हैं। अब ये b-5 हो गया, +4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बच जाएगा b-5। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी फैक्टर प्रोसेस से आप सॉल्व करते हैं तो इस स्टेज पर जब आप पहुंचते हैं तो आपका इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का अंक समान होना चाहिए, तभी आप समझ लीजिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अन्यथा इसमें माइनस प्लस का भी अंतर होगा तो समझिए कि मेरा गड़बड़ है। b+4b-5=0। ये इसका फैक्टर हो गया b²-b-20 का, ये हमारा फैक्टर आया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सॉल्व। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो b का मान -4 और +5 आएगा।
लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है, बस यहीं तक हमें रहना है। अगर यहां से आप चाहते हैं तो आप b का मान निकालेंगे तो दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार में ही सॉल्व करके हम पार लग जाए। तो अब देखिए बीच का टर्म यहाँ पर है, यहाँ b का मान निकाल के भी इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दो बार सॉल्व करना होगा, एक बार प्लस माइनस लेके एक बार प्लस लेकर। बात बराबर होगी उतना ही आंसर आएगा। अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये जो पोर्शन है हमारा, इसका फैक्टर यानी ये हमारा इस फैक्टर से कैसे आए। तो पोस्ट में 2b-1, तो ये बराबर हो जाएगा b-1 इंटू b+4, यहाँ बीच में डाल दीजिए प्लस। अब देखिए 2b हो जाएगा, अगर तोड़ेंगे तो बी से बी टूट जाएगा, जुट जाएगा और 2b हो जाएगा, और -5 है या +4 है, तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो -1 आएगा, जो कि इस ब्रैकेट में आपको पड़ रहा, यानी हमारा फैक्टर सही हो गया। तो अब हमारा सॉल्यूशन भी आसान हो गया, x²-b-5x+b+4x+, और इसका जितना फैक्टर है वो हम, इसका फैक्टर हमने निकाला है, यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये है आपका फैक्टर b+4 × b-5 = 0। This tends to, अब यहाँ हम x कॉमन निकालते हैं, क्योंकि x ही दोनों फिगर में कॉमन है, इसमें x है इसमें x² है, तो x ही हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ मझोला कोष्ठक दे दीजिए x ये हो गया, फिर यहाँ आपका कॉमन हो गया b+4, फिर यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ बच गया ये प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तभी ये आ पाएगा सही, 2b-1, अन्यथा ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये आपका निकल गया b+4 कॉमन, तो यहाँ बच गया x+b-5 = 0। अब हो जाएगा d x + b-5 = 0, और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका x+b+4 = 0 हो गया, दो पार्ट तो हो गया। x = -b-5, और यहाँ हो जाएगा x - b+ −b-5 and −b+4
और यही हमारा ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी मैथमेटिक्स को आपको देख करके और उसे दिमाग में हल करना पड़ता है। दिमाग में जब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको पेपर पर आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यही इसमें एक टेक्निक है, तो टेक्निक समझना जरूरी है। और हर मैथ में कुछ न कुछ टेक्निक होता है। टेक्निक समझिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप सभी मैथों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर। तो आज के वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।